और चलिए अब इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। भोपाल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बुधनी में बीजेपी के आज कई दिग्गज जुटेंगे, क्योंकि आज रमाकांत भार्गव अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बुधनी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को चुना, और अब आज वे जब नामांकन अपना दाखिल करेंगे तो इस वक्त बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। रोड शो के बाद चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे और आज नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख है। रमाकांत भार्गव के नामांकन में आज कई सारे दिग्गज जुटेंगे। जो आपको बता दें कि बुधनी विधानसभा सीट से बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को टिकट दिया है, उन पर भरोसा जताया है, और अब आज रमाकांत भार्गव अपना नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। और ऐसे में आज रोड शो भी करेंगे और रोड शो के बाद एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शबाना हमारे साथ में जुड़ चुकी है। शबाना, आज बुधनी विधानसभा में जहां बीजेपी के कई दिग्गज एक साथ जुटेंगे, दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा, क्योंकि आज बीजेपी के प्रत्याशी जो कि रमाकांत भार्गव बुधनी से चुने गए हैं, आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। शबाना, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। जी शबाना, आप सुन पा रही हैं? जी शबाना, आज आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने का, और बुधनी विधानसभा सीट जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, सबकी नजरें भी इसी सीट पर टिकी हुई हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सीट से अक्सर चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन अब रमाकांत भार्गव पर भरोसा जताया है, आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश की दो विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है। कल विजयपुर में नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी था और आज इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी जो है अपने प्रत्याशी रमाकांत भार्गव का बुधनी में नामांकन दाखिल करवाएगी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे, रोड शो करेंगे, जनसभा करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और डबल इंजन सरकार की जो योजनाएं हैं वो अपने प्रत्याशी के हित में जो है बात करते हुए नजर आएंगे। आप देखेंगे रमाकांत भार्गव वो शख्स है जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान के लिए संसदीय सीट छोड़ा था, यानी कि शिवराज सिंह चौहान को जो है सांसद का टिकट दिया गया था, जिसके बाद जो है वो पूर्व हो गए थे। ऐसे में जो आप देखेंगे अब जो है शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, तो शिवराज सिंह चौहान के गढ़ से जो है रमाकांत भार्गव वो प्रत्याशी बनकर निकले और ऐसे में आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सबसे बड़ी बात आज ये है कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि भी आज है। ऐसे में बीजेपी के सारे दिग्गज नेता जो है वहां पे जोर लगाने की कोशिश करेंगे, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, लेकिन आप देखेंगे कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि कोई किसी का गढ़ नहीं होता, जहां जो जम के मैदान में उतरे वो उसका गढ़ बन जाता। तो ऐसे में उपचुनाव की ये सबसे ज्यादा हॉट सीट है। आप देखेंगे यहाँ से लगातार शिवराज सिंह चौहान जीतते हुए नजर आए थे, हालांकि ये सबसे ज्यादा हॉट सीट है। आप देखेंगे यहाँ से लगातार शिवराज सिंह चौहान जीतते हुए नजर आए थे, हालांकि इस बार उन्होंने संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा, तो ऐसे में रमाकांत भार्गव पे भरोसा जताया गया। आज मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे और देखने वाली बात होगी कि कितना कुछ जो है चुनावी परिणाम में निकल कर सामने आता है। जितना जनता शिवराज जी को पसंद करती थी, क्या उनको पसंद करती है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा हॉट सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है। आप देखेंगे उपचुनाव के लिए दो सीटें हैं, विजयपुर और बुधनी। बुधनी में रमाकांत भार्गव पे पार्टी ने भरोसा जताया, कई दिग्गजों के नाम चल रहे थे, यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय का भी नाम चल रहा था, लेकिन नहीं, पार्टी ने रमाकांत भार्गव पे भरोसा जताया। ऐसे में आज वो नामांकन करते हुए नजर आएंगे और नामांकन के दौरान जो बताया जा रहा काफी भीड़ देखने को मिलेगी, और जब मुख्यमंत्री वहां पे रहेंगे, केंद्रीय कृषि मंत्री वहां पे रहेंगे, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार ने जितना काम किया है, भाजपा ने जितना काम किया वो दिखाते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है
वो प्रत्याशी को मिलेगा। हालांकि उस क्षेत्र में पहले वो सांसद रहे तो अच्छे रग रग से वाकिफ है कि कहाँ पे कैसा माहौल बनाना है, कहाँ कितना काम किया, सारी चीजें उनको पता। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या चुनाव परिणाम बिल्कुल किस तरीके से देखने को मिलते हैं। हॉट प्रोफाइल सीट है, सबकी नजरें भी बुधनी विधानसभा पर ही टिकी हुई है कि आखिरकार इस सीट से अब क्या परिणाम रहेगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये सीट रही है, अक्सर वो चुनाव लड़ते हुए आए हैं। लेकिन अब ऐसे में प्रत्याशियों के बदले जाने के बाद कितना असर होगा, बड़ा सवाल रहेगा।